रूल इन इंडिया वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर नाइनटीन चैप्टर ब्रिटिश रूल इन इंडिया वी हैव ऑलरेडी डिसकस द यूरोपियन ट्रेडर्स कम टू इंडिया यूरोपियन ट्रेडर्स हमारी कंट्री में कैसे आए और किन चीज़ों को वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या जो चीज़ें किस किन किन चीज़ों के लिए वो ट्रेडिंग करने के लिए आए स्पाइसिस इंडिगो एंड कॉटन एंड टी ठीक है Spices, indigo, and cotton, and tea, नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रेडर्स बिकम द रूलर्स हाउ द ट्रेडर्स हाउ द यूरोपियन ट्रेडर्स बिकम द रूलर्स कैसे वो एक ट्रेडर से एक व्यापारी से और एक हम पे रूल करने वाले शासन करने वाले कैसे हो गए वो द ब्रिटिश ट्रेडर्स बिकम द मोस्ट पावरफुल अमंग द यूरोपियंस ब्रिटिश जितनी भी यूरोपियंस हमारी और भी बहुत यूरोपियन कंट्रीज थी, तो हमारी country थी. जो हमारी कंट्री में आई थी बट ब्रिटिशर्स आर मोस्ट पावरफुल जो ब्रिटिशर्स थे जो इंग्लैंड के थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे दे रियलाइज दैट दे वुड बिकम मच रिचर इफ़ दे कुड गेट होल्ड ऑफ लैंड इन इंडिया उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि अगर हम यहाँ पे पूरे इंडिया पे अगर मतलब होल्ड कर लें मतलब इसको पूरे इंडिया को कैप्चर कर लें अगर रूल करने लगे तो हम बहुत रिच हो सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा ही अमीर हो जाएंगे ठीक है अगर हम इंडिया को रूल करें बिकॉज उस टाइम में ओल्ड उल, जब ओल्डन टाइम्स की बात हो रही है कि इंडिया वॉज अ वेरी रिच लैंड इंडिया बहुत ही अमीर रिच कंट्री थी अमीर कंट्री थी यहाँ हर चीज़ होती थी ठीक है एट दैट टाइम इंडिया वॉज डिवाइडेड इन टू मेनी किंगडम्स जब उन्होंने अंग्रेजों ने ये सोचा कि हम क्यों ना इंडिया को होल्ड कर लें कैप्चर कर लें या रूल करना स्टार्ट करें उस टाइम में इंडिया में क्या सिचुएशन था इंडिया की स्थिति क्या थी भारत की स्थिति क्या थी इंडिया वॉज डिवाइडेड इन टू मैनी किंगडम्स इंडिया उस टाइम क्या था कि बहुत ढेर सारे किंगडम्स में डिवाइड था ठीक है छोटे छोटे किंगडम्स जैसे झांसी हुआ ग्वालियर हुआ आ, कानपुर हुआ लखनऊ हुआ दिल्ली हुआ बहुत ढेर सारे छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड था दीज किंगडम्स वी ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर ये किंगडम्स क्या करते थे एक दूसरे को मतलब सुपीरियर अपने मतलब मैं सुपीरियर हूँ मैं सुपीरियर हूँ इसके चक्कर में क्या होता था कि इनको इन बीच बहुत ही फाइटिंग होती थी बहुत सारे हुए। आप बहुत सारे सारे हुए, हुए, आगे जाके पढ़ोगे कि कैसे राजाओं के बीच में कौन-कौन से ठीक है? प्रोमिस इंडियन रूलर फ्रॉम देयर एनिमीज उन्होंने क्या किया They promised to protect Indian ruler from their enemies. उन्होंने, उन्होंने प्रोमिसमिस किया इन रूलर्स को कि, क्या किया? रूलर्स को कि वो उनके एनिमीज से उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा करेंगे ठीक है उसके बदले उन्हें कुछ करना होगा क्योंकि वो बिना फायदे के तो कोई चीजें नहीं करते थे इन रिटर्न दीज रूलर्स हैड टू हैंड ओवर सम पार्ट्स ऑफ देयर किंगडम्स टू द ब्रिटिश और इसके बदले में उन्हें क्या करना था कि उन रूलर से वो उनके जो भी किंगडम्स थे उसका कुछ पार्ट ले लेंगे ठीक है सम पार्ट ऑफ लैंड ठीक है वो ले लेंगे जिसपे वो रूल करना चाहेंगे ठीक है या अपनी कंपनी सेटअप करेंगे ठीक है तो वो अपनी चीजों के लिए उनको और कुछ एनिमी से उनको प्रोटेक्ट करेंगे इसके बदले में वो उनके कुछ किंगडम का एक पार्ट ले लेंगे जिस जिसपे वो रूल करेंगे कंपनी जो भी चीजें होंगी वो उसको करेंगे ठीक है ग्रेजुअली द ब्रिटिश ट्रेडर्स स्टार्टेड बिहेविंग लाइक रूलर्स अब छोटे छोटे पार्ट पे वो रूल करते करते वो अपने आप को किंग की तरह बिहेव करने लगे कि वो एक किंग की तरह बिहेव करने लगे पहले वो छोटे पार्ट्स पे रूल करते थे फिर धीरे धीरे वो अपनी जैसे यह है कि हर चीज में इंटरफेयर करना कि नहीं आप ऐसे करिए नहीं आप ऐसे करिए इस तरह से आपको टैक्स लेना चाहिए जो भी चीजें थी वो हर चीज में इंटरफेरेंस उनकी बढ़ने लगी और धीरे धीरे वो एक रूलर की तरह बिहेव करने लगे